आदाब, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर रेवोल्यूशन में खैर मकदम है। पिछले वीडियोस में जो मैंने बनाया था प्रेसिडेंट के ऊपर, तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने एक क्वेश्चन वो किया कि प्रेसिडेंट को इम्पीच कैसे करते हैं। देखिए, एक बात याद रखिएगा, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए उसी को कहते हैं इम्पीचमेंट, और उसके लिए हटाने के लिए इम्पीचमेंट मोशन लाना पड़ता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट उसे पास करती है और फिर जो है उसको हाफ ऑफ द स्टेज कि असेंबलीज कम से कम उसको जो है रेक्टिफाई करें, पास करें, तो इम्पीचमेंट होता है। लेकिन प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए जो इम्पीचमेंट मोशन लाते हैं, उसमें एक बहुत ख़ास बात जो आपके लिए जाना ज़रूरी है वो ये है कि प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो इम्पीचमेंट मोशन लाया जाता है, ये सिस्टम, ये व्यवस्था हमने फ्रांस से लिया है। कहाँ से? फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। दूसरी बात, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आप तमाम लोगों के लिए है। जो लोग भी, जो बच्चे जा रहे हैं 11th के टेस्ट देने के लिए, उनके लिए ख़ास तौर से, और तमाम उन लोगों के लिए जो इस्लाम की तारीख़ अगर जानना चाहते हैं फैक्चुअल एतबार से भी, जो क्वेश्चन के फॉर्मेट में, तो उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। कल इंशाल्लाह 100 क्वेश्चंस इंडो इस्लामिक कल्चर का, 100 क्वेश्चंस जिसमें अकायद, ईमान से लेके और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान, हदीस, तमाम ये जो अपना सेगमेंट है, इस पर कल मैं 100 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। जो तमाम हमारे स्टूडेंट्स से जो जुड़े हुए हैं इससे, वो बिल्कुल अलर्ट रहें, और ये वीडियो फॉर्म में होगा जिसमें मैं क्वेश्चन करके 1 सेकेंड या 2 सेकेंड का पॉज लूँगा, फिर उसका आंसर लूँगा। और कल मतलब 17 तारीख को और 18 तारीख में जीके का 60 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ये दोनों मिला के 20 मार्क्स का सेगमेंट बनता है। आप लोग अगर इससे जुड़ेंगे और देखेंगे इंशाल्लाह तो बहुत फ़ायदा आपको होगा। दूसरी बात, आइए बात करते हैं हम लोग आज पार्लियामेंट के बारे में। जो हमारा पार्लियामेंट है, हमारे पार्लियामेंट को संसद कहते हैं, संसद। अच्छा, बात करेंगे हम लोग अगर हाउस की या सदन की, तो द्विसदनीय हमारा संसद है, यानी बाई कैमरल है। इंग्लिश में कहते हैं बाई कैमरल। ये सिस्टम हमने इंग्लैंड से लिया है, ये बात याद रखनी है। अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की जाएगी तो ये सिस्टम या संसदीय कार्य व्यवस्था हमने इंग्लैंड से लिया है, और हाउसेस की अगर बात की जाएगी तो ये भी हमने इंग्लैंड से लिया है। तो यहाँ भी जैसे इंग्लैंड में 2 हाउसेज होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स जो आम सभा होता है, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो वहाँ का अपर हाउस है। उसी तरीके से हमारे मुल्क में एक सदन जो है, एक हाउस, उसको कहते हैं लोकसभा। इसी को लोअर हाउस या निम्न सदन कहते हैं हिंदी में, निम्न सदन, और इसी को जो है फर्स्ट हाउस कहा जाता है, पहला मतलब सदन। अगर हम लोग इधर देखें तो राज्यसभा, राज्यसभा को ही अपर हाउस कहते हैं, ठीक है, यानी उच्च सदन, और इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और ये जो है दूसरा सदन है। अगली बात हम लोग करें अगर नंबर कितनी है उसमें, तो देखिए एक बार टेक्निकल मामला है जो समझना बहुत ज़रूरी है, और आप लोग थोड़ा सा गौर करिएगा इस पर। असल में कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स हो सकते हैं जो प्रोवाइड किया कॉन्स्टिट्यूशन ने लोकसभा के अंदर, यानी अगर हम लोग बात करें हिंदी में, अधिकतम संख्या जो हो सकता है हमारे लोकसभा में, वो संख्या पहले था 552, कितना था? 552। लेकिन अब ये जो है इस टाइम अधिकतम संख्या जो हो सकता है वो 550 है। ऐसा क्यों हुआ कि पहले 2 मेंबर्स जो थे, जो माइनस हुए हैं, ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से थे। किस कम्युनिटी से? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। और 2021 में अमेंडमेंट लाया गया, 104 अमेंडमेंट, 104। इस अमेंडमेंट के थ्रू, ये जो अमेंडमेंट 104 लाया गया, यानी संशोधन जो किया गया संविधान के अंदर, तो 104 अमेंडमेंट के थ्रू एंग्लो इंडियन की जो 2 सीट्स थे जो मनोनीत किए जाते थे, नॉमिनेट किए जाते थे, उनको ख़त्म कर दिया गया सीट को। तो इस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, संविधान के मुताबिक जो अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हो सकता है लोकसभा में, वो 550 है। यह एक सवाल है, अगर आपसे पूछ देगा कि मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है लोकसभा में, तो अगर कोई फिगर ऐसा देता है कि 552, 542, 532 और 522, तो इससे 550 का फिगर नहीं है। अब कोई एग्जामिनर ऐसा हो जो पहले का क्वेश्चन देख के उतार दिया हो, तो इसमें आप 552 लगाएंगे। लेकिन अगर 4 ऑप्शंस में से 552 के साथ साथ अगर 550 भी ऑप्शन रहा उसमें, तो आप इस सवाल का कि संविधान के अनुरूप अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 550 लगाएंगे। यानी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन द मैक्सिमम नंबर कुड बी इन द पार्लियामेंट, अगर कुड बी इन द लोकसभा अगर पूछा जाएगा आपसे, तो इसका आंसर अगर ये चार ऑप्शन हैं, फोर ऑप्शन हैं, तो आप 550 लगाओगे। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको कि दो मेंबर क्या हुआ, इनको अमेंडमेंट 104 या 104 संशोधन के तहत इनको खत्म कर दिया गया। ठीक है, ये जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग होते थे इनको राष्ट्रपति मनोनीत करते थे। तो इस टाइम ये संख्या है, हमने आज फिगर लिखा है 545। तो पहले हमारे संसद के लोकसभा में जो सदस्य होते थे, ठीक है, वो 545 या 545 होते थे, लेकिन चूंकि दो सदस्य निकल गए ये दो मेंबर्स, तो इस टाइम जो लोकसभा है उसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो 543 होते हैं। यानी इस वक्त लोकसभा का स्ट्रेंथ जो है 543 है। गौर से सुनते रहिएगा। अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये जो फिगर लिखा है हमने 272 का, ये बेसिकली मेजॉरिटी नंबर है। क्या है? मेजॉरिटी नंबर। इसी को कहते हैं बहुमत संख्या। यानी सरकार बनाने के लिए जो मेजॉरिटी नंबर लोकसभा में है वो 272 की है। कितने की? 272। अगर 272 किसी के पास है इस नंबर में से, तो जाहिर सी बात है सामने वाले पास कितना बचेगा? 271। तो ये है मेजॉरिटी नंबर। इसी मेजॉरिटी नंबर को एक टर्म यूज होता है, मैजिकल फिगर। अगर आपसे पूछ देगा कि लोकसभा में मैजिकल फिगर क्या है, तो 272 है। इसी को हिंदी में कहते हैं जादुई आंकड़ा। ये जादुई आंकड़ा क्यों है? जिसके पास इतने मेंबर्स हैं और वो मेंबर्स जिसको लीडर मान लेंगे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ठीक है, एक अक्सर सवाल लोग पूछते हैं हमसे, बहुत दफा ये सवाल किया गया कि क्या हमारे देश का प्रधानमंत्री कोई मुसलमान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देश का प्रधानमंत्री, इस देश का रहने वाला कोई भी नागरिक, किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, वो यहाँ का प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन उसके लिए 272 का संख्या आंकड़ा छूना जरूरी है। ठीक है, तो चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो, धर्म मानता हो, धर्म ना मानता हो, उससे कोई मतलब नहीं है, इंडियन सिटीजन है। और अगर इतने लोग मिलकर उसको लीडर मान लें तो वो पीएम बन जाएगा। कुछ लोग कहते हैं साहब ये कैसे हो सकता है? मैं कहा भैया हमारे पास लेके आओ 272 एमपी का सपोर्ट लोकसभा में, हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ठीक है, पहला प्रधानमंत्री देश का मुसलमान बन जाएगा। तो बात ये है नंबर की, इसी को मेजॉरिटी नंबर कहते हैं, इसी को हिंदी में बहुमत संख्या कहते हैं, और एक और टर्म यूज होता है मैजिकल फिगर, जादुई आंकड़ा। तो एक चीज तो ये होगी क्लियर। अब आइए इधर संख्या के एतबार से, नंबर के एतबार से, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं राज्यसभा के अंदर, यानी कितने अधिकतम संख्या हो सकती है सदस्यों की, तो वो 550 है। लेकिन अभी कितनी संख्या है तो वो 245 है। ठीक है, अब इन 245 में से 12 मेंबर्स, यानी 245 मेंबर्स में से 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं। इनका नॉमिनेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। यानी जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति हैं, तो वो जो है इनको नॉमिनेट करती हैं, मतलब जो भी प्रेसिडेंट होंगे। तो 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं, यानी इन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ये किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, किसी कम्युनिटी का मसला नहीं है, साइंस के फील्ड से, खेलकूद के फील्ड से, फिल्मों से, नाचने गाने वाले जो और भी बहुत सारी फील्ड है उससे, कहीं स्पोर्ट्स से, कहीं से भी ये नामांकित या मनोनीत किए जा सकते हैं 12 मेंबर। ठीक है, तो यहाँ आप समझ सकते हो कि अगर 245 मेंबर्स में से 12 मेंबर्स अगर नॉमिनेट हो रहे हैं, तो यानी जो चुनाव होता होगा वो या होता है वो 233 मेंबर्स का चुनाव होता है। ठीक है, 233। अब यहाँ एक बात है, यहाँ हमने लिखा है कि इलेक्टेड बाई पीपुल, यानी जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उनको लोग चुनते हैं, आम लोग। आपने देखा होगा 18 वर्ष से ऊपर जो लोग होते हैं उनको वोटर, मतलब वोटर का वो बनता है, वोट करने का अधिकार, राइट टू वोट, तो वो ही इसमें चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी पूरे देश में 18 साल यानी 18 ईयर्स से ऊपर के जो लोग हैं वो वोट कर सकते हैं। लेकिन इनके चुनाव में सिर्फ एमएलए वोट करते हैं, राज्यसभा में कौन करता है? सिर्फ एमएलएज, जो अलग अलग राज्यों के एमएलएज हैं वो इनको चुनते हैं, यानी उन्हीं को आप विधायक कहते हो, जो विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं। अगली बात हमने लिखा है यहाँ पर कि 84 मेंबर्स, 84 यानी 84 मेंबर्स शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है। क्या है? आरक्षित है। यानी लोकसभा में शेड्यूल कास्ट, जिसको आप अनुसूचित जाति कहते हैं, इनके लिए 84 सीट, 84 सीट्स आर रिजर्व, 84 सीट इनके लिए आरक्षित हैं। और वहीं पर एसटी, जिनको आप शेड्यूल ट्राइब कहते हो, जिनको हम लोग अनुसूचित जनजाति कहते हैं हिंदी में, इनके लिए 47 सीट रिजर्व्ड हैं लोकसभा में। लेकिन कमाल की बात यह है कि राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं है। अब यहां सोचने की बात है कि यही रिजर्वेशन क्यों है, यहां क्यों नहीं है? क्योंकि साफ सरकार बनने का मामला यहां पर है। सरकार यहां से बनती है, लोकसभा से, राज्यसभा से नहीं बनती है। लेकिन एक सवाल है कि अगर मोहब्बत इतनी ज्यादा है हमारे शेड्यूल कास्ट से और शेड्यूल ट्राइब से, तो फिर यह मोहब्बत यहां क्यों नहीं है? तो खास बात क्या है? खास बात यह है कि ये जो सीट्स दिख रहे हैं आपको, टोटल 131 सीट्स, ये प्रैक्टिकली यहां से मुसलमान तो लड़ ही नहीं सकता है। 84 सीट्स पर तो लड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो एससी सीट है। अगर कोई एससी है और वो जो है कन्वर्ट होता है, मान लो वो हिंदू है, बौद्ध है, किसी और मजहब का है और कन्वर्ट होता है इस्लाम में, इस्लाम कबूल कर लेता है, तो उसका जो क्राइटेरिया एससी का है, उसको जो फैसिलिटीज मिली हुई है, एक झटके में खत्म हो जाएगा, वो ओबीसी हो जाएगा। तो ये सीट्स पर तो मुसलमान लड़ ही नहीं सकता है। और 47 सीट्स जो एसटी हैं, तो पूरे इंडिया में एससी कम्युनिटी कश्मीर वगैरह में कई जगह है तो है, वरना नहीं है, तो फिर ये भी वो प्रैक्टिकल सीट्स हैं जहां पर मुसलमान नहीं लड़ सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली। अगली बात, यहां पर कोई रिजर्वेशन नहीं, क्योंकि सरकार यहां से बनना है, यहां से नहीं बनना, ये बात याद रखना है। अगली बात, लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर, लोकसभा के प्रिसाइडिंग यानी जो अध्यक्षता करते हैं उनको स्पीकर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीकर। इस समय हमारे देश के जो स्पीकर हैं उनका नाम है ओम बिरला, और ओम बिरला साहब एमपी हैं कोटा से। कोटा वही शहर जहां पर बहुत सारे बच्चे जाते हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए, तो वहां से ये एमपी हैं, लोकसभा के सदस्य, सांसद हैं। अच्छा, यहां मैंने लिखा मनी बिल, धन विधेयक। ये क्या चीज है? कोई भी विधेयक, कोई भी बिल जो पार्लियामेंट में आ रही है, वो धन विधेयक है कि नहीं, मनी बिल है कि नहीं, ये डिसाइड लोकसभा के स्पीकर करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर। अगर लोकसभा के स्पीकर ने किसी बिल को मनी बिल डिक्लेयर कर दिया, तो फिर उस बिल को मनी बिल ही माना जाएगा। और सबसे कमाल की बात क्या है कि मनी बिल डिक्लेयर होते ही लोकसभा ने अगर इस बिल को पास कर दिया, तो यह बिल जाएगा तो राज्यसभा में, लेकिन राज्यसभा इसके ऊपर सिर्फ दो चीजें कर सकती है, या तो 14 दिन तक अपने पास विदहोल्ड कर ले, दबा के रख ले, लेकिन 15वें दिन ऑटोमेटिकली वो पास माना जाएगा, या उस पर कुछ रिकमेंडेशंस, कुछ सलाह लगा के भेजे, लेकिन उस सलाह को लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है, यानी उसके लिए बाउंडेड नहीं है, चाहे माने चाहे ना माने। समझना क्या है कि मनी बिल पर पूरा कंट्रोल जो है वो लोकसभा का है, क्योंकि ये लोग हैं, लोकसभा के लोग, जो डायरेक्टली आंसरेबल हैं हमारे देश की जनता को लेकर, और सरकार चूंकि यहां से बनती है। ठीक है, राज्यसभा में इस विधेयक का कोई रोल मनी बिल का प्रैक्टिकली नहीं है। अगली बात, यहां हम लिखा चेयरपर्सन, जो राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो अध्यक्षता करते हैं, देखा होगा आपने ऊपर जो लोग बैठते हैं, वो उनको कहते हैं चेयरपर्सन। लेकिन यहां हमने लिखा है वीपी या उपराष्ट्रपति। ये खास बात है, हमारे देश के जो भी वाइस प्रेसिडेंट होंगे या जो भी उपराष्ट्रपति होंगे, वो एक्स ऑफिशियो, पदेन कहते हैं, पद की वजह से, उस ऑफिस में बैठने की वजह से, यानी उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट होने की हैसियत से वो हमारे देश के राज्यसभा का चेयरपर्सन होंगे या चेयरमैन होंगे। अब यहां पर एक बात समझनी है कि यह सिस्टम हमने यूएसए से लिया है। कहां से? अमेरिका से। क्योंकि वहां भी जो अपर हाउस है जिसको सीनेट कहते हैं उसकी चेयरपर्सन हमेशा वहां के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। इत्तफाक की बात यह है कि इस टाइम जो वाइस प्रेसिडेंट वहां पर हैं उनका नाम कमला हैरिस है और वो इंडियन ओरिजिन से हैं। तो कमला हैरिस जो वहां पर वाइस प्रेसिडेंट हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होने की हैसियत से एज एन एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है सीनेट की। वैसे ही हमारे मुल्क में भी चेयरपर्सन जो होते हैं या चेयरमैन जो होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो इस टाइम श्री जगदीप धनखर जी हैं। तो जगदीप धनखर साहब जो हैं ये वाइस प्रेसिडेंट होने की हैसियत से राज्यसभा के चेयरपर्सन है। इस सिस्टम को, इस व्यवस्था को हमने अमेरिका से लिया है। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो याद रखनी है कि हमारे यहाँ जो भी वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एज एन एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा होता है, यानी जो उपराष्ट्रपति होते हैं पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के। पदेन से मतलब पद की वजह से। और इस टाइम श्री जगदीप धनखर जी जो है वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं और ये जगदीप धनखर साहब जो हैं इनका भी ताल्लुक, इनका भी संबंध अगर राज्य के अतबार से देखा जाए तो राजस्थान से है, जैसे ये राजस्थान के कोटा से हैं। अगली बात हमने अच्छी लिखी है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सर्वभौम वयस्क मताधिकार। ये होता क्या है, यानी मत देने का अधिकार जो दिया जाएगा, वोट देने का जो अधिकार दिया जाएगा उसका बुनियाद सिर्फ एज होगा, आयु होगा, ना आपकी शैक्षणिक यानी एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं होगा, सोशल बैकग्राउंड नहीं होगा, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड नहीं होगा, आप किस मजहब के मानने वाले हैं, किसके नहीं मानने वाले हैं, किस जाति के हैं, इससे कोई मतलब नहीं होगा। जो भी एक एज लिमिट बनाया जाएगा, 18 साल हो, 20 साल हो, 21 साल हो, उस पर जो पहुंचेगा उसे वोटर राइट्स दिया जाएगा, उसको वोट देने का, मत देने का अधिकार, मताधिकार दिया जाएगा। इसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं, हिंदी में सर्वभौम वयस्क मताधिकार कहते हैं। ये दुनिया में पहली कंट्री जिसने ये चीज दिया उसका नाम न्यूजीलैंड है। क्या है? न्यूजीलैंड। 1883 में दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखिएगा। दुनिया की पहली कंट्री जिसने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया उस कंट्री का नाम न्यूजीलैंड है। ठीक है। अगली बात यहां पर हम लिखा है गवर्नमेंट फॉर्मेशन, सरकार का बनना या सरकार का बिखरना या सरकार का टूट जाना यह लोकसभा पर डिपेंड करता है, राज्यसभा पर। इसीलिए अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा, यानी सरकार के हम संख्या में विश्वास नहीं करते हैं, हम नहीं मानते हैं कि इनके पास बहुमत संख्या है, तो यह जो लाया जाएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव। तो अविश्वास प्रस्ताव जब भी आएगा तो लोकसभा में आएगा, क्योंकि लोकसभा जो है इसी के बुनियाद पर सरकार बनती है। सरकार के बनने या सरकार के बिगड़ने में राज्यसभा का कोई भी रोल नहीं होता है। हमने यहाँ पर साफ साफ इसे लिख दिया है कि सरकार के बनने में कोई भूमिका नहीं, किसका? राज्यसभा का। देयर इज नो रोल ऑफ राज्यसभा इन मेकिंग और ब्रेकिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है। अगली बात हमने यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी है जो आपको जानना चाहिए कि लोकसभा में जो कारपेट बिछा होता है, कभी आप टीवी में देखिएगा जो लोकसभा के जब प्रोसीडिंग चलते हैं, लोकसभा में हमेशा कारपेट यानी कालीन जो बिछती है वो हमेशा ग्रीन बिछेगी, क्योंकि ये आम लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। तो यहाँ पर कालीन ग्रीन बिछती है। अगर राज्यसभा की बात करें हम लोग तो यहाँ पर हमेशा जो कालीन बिछता है वो रेड बिछेगा, क्योंकि लाल जो है रॉयल्टी को, बड़कपन को शो करता है, और राज्यसभा में इसीलिए रेड कारपेट बिछता है, यानी लाल जो है रंग का आप देखोगे तो वहां पर कालीन बिछा पाओगे आप। अगली बात हमने लिखा है डिसॉल्व, भंग होना। ये सभा, लोकसभा, ये भंग होती है, भंग की भी जाती है। ठीक है, क्योंकि इसकी अवधि 5 वर्ष की है। 5 वर्ष के बाद ये एकाएक भंग हो जाएगी, क्योंकि सारे सदस्य का टाइम खत्म होगा, या सरकार गिर जाए बीच में कभी, तब भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया सकता है, क्योंकि राज्यसभा की अवधि जो टेन्योर है, अवधि, टाइमिंग, वो 6 वर्ष का होता है। कितना? 6 वर्ष का। और इस हाउस को कभी डिसॉल्व, कभी भंग नहीं किया सकता है। यहां लिखा मैं भंग नहीं होता, डिसॉल्व नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि 1/3 मेंबर इसके हर 2 वर्ष के बाद रिटायर हो जाते हैं। क्या कहते हैं? रिटायर। 2 वर्ष के बाद रिटायर का मतलब है कि एक तिहाई रिटायर हो गए, दूसरे लोग आ जाएंगे। 2 वर्ष के बाद दूसरे रिटायर होंगे तो उनका 2 वर्ष हो चुका होगा। 2 वर्ष के बाद जब ये रिटायर होंगे अगले वाले, तो ये 2 वर्ष इनका पूरा होगा, उनका 4 वर्ष पूरा हो जाएगा, फिर यहां आ जाएंगे। तो ये हाउस चलता रहता है, ठीक है, कभी भी हाउस एक साथ खत्म नहीं होता है। इसीलिए राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक तिहाई मेंबर हर 2 वर्ष के बाद रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और उनके जगह पर दूसरे मेंबर्स को लाया जाता है इलेक्ट करके। और इनकी अवधि या टेन्योर जो होता है वो 6 वर्ष का होता है, जो भी मेंबर होंगे। तो ये कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट आपके समझने के लिए हैं, और बकिया कभी और बात किया जाएगा, लेकिन अभी के लिए ये जो कुछ पॉइंट्स हैं आप इसको जहन में रखिएगा। आप जो है इससे एक फायदा आपको ये रहेगा कि जो क्वेश्चंस इससे रिलेटेड होंगे, इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा इंशाल्लाह, ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।